हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है आदर्श, आप देख रहे हैं आदर्श ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा मैथ्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स, और इस लेसन का लेक्चर 51 रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में। लेसन की शुरुआत होगी तो थोड़ी बेसिक तो आपको जानना नेसेसरी है, देन हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 4 पे जंप करेंगे प्रैक्टिस के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर से सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए अब लेसन शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि अगर आपको बेसिक आएगा ना तो यकीन मानो आप कुछ भी कर लोगे। ओके, अगर आपको बेसिक आएगा तो दुनिया का कोई भी सम इंटीजर्स का क्वेश्चन रहेगा आप बहुत इजीली चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे, पर बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, बेसिक है नेचुरल नंबर क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक सीरीज में चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें कोई चीज़ गिनना रहता है तो हम कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 कंटिन्यू हम गिनते रहते हैं। तो नेचुरल नंबर वो नंबर है जिसे हम कंटिन्यू चलते रहें बिना किसी ब्रेक के, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 5 ऐसे कंटिन्यू चलते रहे, शुरुआत 1 से होए एंड कंटिन्यू चलते रहे बिना किसी ब्रेक के, नंबर कंटिन्यू रहे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बिना रुके कंटिन्यू चलते रहे, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, अब फिर वो चाहे 1 से चालू हो या फिर वो 300 से चालू हो, 300 301 300 2, ओके कहीं से भी चालू हो, पर सिर्फ इसका रूल ये है कि कंटिन्यू चलना चाहिए बिना रुकिए। ये 300 है तो इसके बाद 301 ही आना चाहिए, 302 नहीं आना चाहिए, फिर 301 के बाद 302 आना चाहिए, उसके बाद 303 आना चाहिए। ओके, एकदम सीरीज में चलना चाहिए, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। आई होप आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका दूसरा टॉपिक जो है होल नंबर। सो बच्चों मैं आपको बता दूं, होल नंबर ना 0 से चालू होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0। ये 0 से चाहे जहाँ तक जाए, ये 0 के बाद 1 2 3 4, ओके इसमें भी एकदम सीरीज में जाना चाहिए बिना ब्रेक के, पर ये होल नंबर है और होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। हाँ भाई। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा जो टॉपिक है उसमें दो टाइप हैं। तीसरे टॉपिक में हमारे दो टाइप हैं, एक है हमारा पॉजिटिव नंबर, एक हमारा नेगेटिव नंबर। तो क्या होता है एक्चुअली में, पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, आपको तो पता ही होगा। जैसे कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसमें जो पॉजिटिव रहता है मतलब वो बीमार रहता है, जो नेगेटिव रहता है वो बीमार नहीं रहता है। तो वही कुछ इसमें भी वही सब चीजें हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। पॉजिटिव रहता है तो कोई वो नंबर के सामने प्लस की साइन रहती है, जैसे हमारा ये नंबर 2 है, 2 के सामने अगर मैं प्लस लगाया तो ये पॉजिटिव नंबर सेट में आ जाएगा, अगर मैं 2 के सामने माइनस लगा दिया तो नेगेटिव नंबर में आ जाएगा। ओके, कोई भी नंबर के सामने अगर प्लस लगा रहे, ओके कोई भी नंबर के सामने अगर प्लस लगा रहे तो पॉजिटिव नंबर में आएगा, और कोई भी नंबर के सामने अगर माइनस की साइन रहे, सबट्रैक्ट की साइन रहे तो नेगेटिव नंबर में चले जाएगा। पर दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर का एक रूल है कि उसके आगे प्लस साइन तो लगे ही रहेगा, वो प्लस साइन आपको दिया रहेगा, पर कभी कभी आपको खाली 2 दिया रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि खाली 2 दिया है ना, इसके आगे पॉजिटिव साइन है ना नेगेटिव साइन है, यानी ना प्लस की साइन है ना माइनस की साइन है। तो इस तरह से जब कोई नंबर दिया रहेगा तो पॉजिटिव ही कहलाएगा। ओके, जैसे आप काउंटिंग करते हैं, आप काउंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 2 3, ओके ऐसे काउंटिंग करते जाते हैं आप, 1 2 3 4 5, देन फिर आप 101 102, इस तरह से आप करते हैं, तो इसके आगे क्या पॉजिटिव साइन लगाते हैं, नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली में पॉजिटिव नंबर ही है, पर अगर मैं इसके सामने माइनस लगा दूँ तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक 3 कंसेप्ट सीखा, एक है नेचुरल नंबर जो हमारा एकदम सीरीज में चालू होता है, 1 2 3 4 कंटिन्यू चाहेगा बिना ब्रेक के,
सेकंड हमने सीखा होल नंबर जो हमारा जीरो से चालू होता है, एंड तीसरा है हमारा उसमें दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव नंबर सेट एंड एक नेगेटिव नंबर सेट। पॉजिटिव नंबर में हमारा वो नंबर के सामने प्लस की साइन रहती है, या फिर अगर खाली नंबर रहेगा तो भी हमारा पॉजिटिव नंबर ही कहलाएगा, और जो नंबर के सामने हमारा माइनस का सब्ट्रैक्ट का साइन रहे, सब्ट्रैक्ट का साइन रहे तो हमारा नेगेटिव नंबर कहलाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। सो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो थर्मामीटर से रिलेटेड है। ओके, इसी बात को समझाने के लिए, वो टॉपिक नहीं सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है, सॉरी डायग्राम थोड़ा सही नहीं बनाया, थर्मामीटर। सो अगर आपने कभी थर्मामीटर देखा होगा तो थर्मामीटर में एक ज़ीरो पॉइंट होता है, यहाँ का एक ज़ीरो पॉइंट होता है, तो ज़ीरो पॉइंट के ऊपर हमेशा पॉजिटिव नंबर रहता है, जैसे यहाँ पर रहेगा 1, 2, 3, 4, ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। ओके, एंड ज़ीरो के नीचे, एग्जैक्टली ज़ीरो के नीचे हमारा नेगेटिव नंबर चालू हो जाता है, -1, -2, -3 एंड -4। थर्मामीटर में ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव एंड ज़ीरो के नीचे नेगेटिव। ओके, इसी तरह से अगर आपने नंबर लाइन देखा होगा, कुछ इस तरह से एक नंबर लाइन रहता है, यहाँ बीच में नंबर लाइन में ज़ीरो रहता है। ओके, और ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे आपको पॉजिटिव नंबर चलता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4। ओके, पॉजिटिव नंबर ज़ीरो के राइट में चलता है, एंड ज़ीरो के लेफ्ट में हमारा नेगेटिव नंबर चलता है, -1, -2 एंड -3। ओके, सो बच्चों यही इसी तरह से हमारा जो सी लेवल रहता है, जो समुंदर रहता है, तो समुंदर के हमारे जो समुंदर के ऊपर का जो रहता है हाइट, जो ऊपर का हाइट रहता है उसे हम हमेशा पॉजिटिव में मेजर करेंगे। समुंदर के ऊपर की जो हाइट रहती है उसे हमेशा पॉजिटिव में मेजर करेंगे, और समुंदर के नीचे की जो हाइट रहती है पानी के अंदर उसे हम हमेशा नेगेटिव में मेजर करेंगे, जिसे हम यहाँ क्या ले सकते हैं, +1, यहाँ +2, +3, +4। ओके, समुंदर के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो भी उसकी हाइट रहे 60 मीटर 70 मीटर, जितनी भी उसकी हाइट रहे, एंड समुंदर के नीचे जो रहता है हमारा नेगेटिव चलता है। ओके, आई होप ये सब आपको जानना जरूरी, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। आपको लग रहा है सब बकवास है, पर बकवास नहीं है, आपके सब बुक में है, एंड आपको एक्सरसाइज में ये सब बहुत मदद करेगी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में पूछा है कि सी लेवल के ऊपर क्या रहेगा, सी लेवल के नीचे क्या रहेगा, थर्मामीटर के ज़ीरो के अबाव क्या रहेगा, थर्मामीटर के बिलो क्या रहेगा, ये सब आपको भी आगे पढ़ना है। तो इसके लिए मैं पहले ही आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करा दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको नंबर लाइन के बारे में कहा था, तो सॉरी मैं आपको नेमिंग बताना भूल गया था। जो नंबर लाइन में ज़ीरो रहता है हम वो ज़ीरो के प्लेस को ओरिजिन कहते हैं, एंड ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर हमारा पॉजिटिव नंबर रहता है, और ज़ीरो के लेफ्ट में हमारा नेगेटिव नंबर रहता है। तो उसका नेमिंग था, आपको बताना ज़रूरी था। चलिए, अब सारे कॉन्सेप्ट आपके थिंग्स को क्लियर हो गए होंगे, जितना बेसिक था मैंने आपको सब बता दिया है। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 4 की तरफ। सोचो आपका प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको भी समझाया है। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, -5, +4, -2, 7, ऐसे एक टाइप का आपको लाइन में क्वेश्चन दिया है, और आपको उसको क्लासीफाई करना है पॉजिटिव नंबर में और नेगेटिव नंबर में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ आंसर। ओके, सो बच्चों आपको पहले इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है, कुछ इस तरह से। पहले आप लिख दीजिए पॉजिटिव नंबर, एंड दूसरे बॉक्स में आपको लिख देना है नेगेटिव नंबर। ओके, पहले में पॉजिटिव एंड दूसरे में नेगेटिव। अब चलिए क्वेश्चन अपना देखते हैं। पहला है हमारा -5, क्या है पहला -5, तो -5 हमारा नेगेटिव है। ऑलराइट, -5 हमारा नेगेटिव नंबर है। उसके बाद है हमारा +4, तो उसमें प्लस पहले से लगा है, तो मैंने जिसका आपको बताया था कि +4 रहे या खाली 4 रहे तो हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो वहाँ +4 है तो हम उसे पॉजिटिव में ही लिखेंगे। एंड उसके बाद है हमारा -2, तो उसके पहले माइनस लगा है तो इसके लिए हम उसे नेगेटिव में लिखेंगे। उसके बाद हमारा नंबर है 7, तो जैसा कि हमने आपको बताया था पहले आपको 7 रहे, 7 के पहले पॉजिटिव नंबर रहे, पॉजिटिव की साइन रहे या ना रहे,
पर वो आपको पॉजिटिव में ही आएगा। तो हमारा 7 पॉजिटिव में आएगा, उसके बाद है हमारा 26, 26 के पहले हमारा पॉजिटिव लगा है तो हम इस तरह से उसे लिख देंगे। उसके बाद है हमारा -49, तो हम माइनस है तो उसके हम नेगेटिव में कर देंगे। उसके बाद हमारा -37 तो उसे भी नेगेटिव में कर देंगे। एंड उसके बाद हमारा 19, तो 19 हमारा पॉजिटिव नंबर है क्योंकि उसके सामने प्लस की साइन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लस की साइन नहीं रहेगी तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद है हमारा -25, तो उसके पास 25 के पहले माइनस, इसके लिए हम उसे नेगेटिव में कर दिए। देन हमारा +8 हमारा पॉजिटिव है क्योंकि इसके 8 के पहले हमारा प्लस है। देन उसके बाद 5 है, तो 5 के पहले कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद हमारा -4, देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन है -4 के बाद है -12। ओके, देन लास्ट है हमारा 27। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 27 किस में आएगा, वो पॉजिटिव के नंबर के बॉक्स में आएगा या नेगेटिव नंबर के बॉक्स में आएगा। वीडियो पॉज कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, फिर भी ये हमारा पॉजिटिव में आएगा, 27 के पहले कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना तो लिख लीजिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A few moments later. So, बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दिया है। गिवन बिलो आर द टेम्परेचर इन सम सिटीज, ये कुछ जगह के नाम दिए हैं और उसके आपको टेम्परेचर दिए हैं। जैसे शिमला का है 7 degrees बिलो 0 degrees। राइट देम यूजिंग प्रॉपर साइन। तो अब आप तो इसमें मास्टर हो ही गए होंगे कि इतना बेसिक्स मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो हाँ देखिए, आपको प्लेस का नाम दिया है शिमला, ली, दिल्ली एंड नागपुर, ये आपको प्लेस के नाम दिए हैं। टेम्परेचर है तो मैं टेम्परेचर नीचे लिख दिया हूँ आंसर में। जब आप लिखेंगे तो ऐसा आपको बॉक्स ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से, देन आपको टेम्परेचर में जो भी बताऊँ वो आपको लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोचो देखिए यहाँ पे वही एग्जांपल काम आएगा, थर्मामीटर वाला जो मैंने आपको अभी बताया था। तो जिसके मैंने आपको एक बार रिवाइज कर देता, थर्मामीटर में आपको बताया था कि जीरो के जो ऊपर रहता है वो हमारा पॉजिटिव रहता है एंड जीरो के नीचे जो जितनी भी डिग्रियाँ रहती है वो हमारी नेगेटिव रहती है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया शिमला का डिग्री दिया है आपको, टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, 7 degrees बिलो 0 degrees। तो जैसा मैंने आपको बताया था 7 degrees बिलो ज़ीरो, ज़ीरो के नीचे 60 degrees जाना है आपको, ज़ीरो के नीचे जाना 60 degrees। तो आप ही बताइए, मैंने आपको अभी बताया है कि ज़ीरो के नीचे जाएंगे तो हमेशा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा -7 degrees Celsius, ये सी मतलब बच्चों सेल्सियस होता है। ओके, 7 degrees बिलो 0 degrees, तो 7 degrees बिलो 0 degrees मतलब ज़ीरो के नीचे आपको जाना है। तो ज़ीरो के आप नीचे जाएंगे तो वो -7 आएगा। दूसरा है आपका ली का, 12 degrees Celsius बिलो 0 degrees, ये यहाँ भी आपको नीचे जाना है, ज़ीरो के आपको नीचे जाना है। तो जब भी आप ज़ीरो के नीचे जाएंगे तो माइनस में होएगा, तो ये भी आपका -12 degrees Celsius। अगला है हमारा दिल्ली, दिल्ली का है 22 degrees Celsius अबाव ज़ीरो। कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ बिलो था ज़ीरो के नीचे, यहाँ ज़ीरो के ऊपर आपको जाना है, ज़ीरो के ऊपर जाना है। तो ज़ीरो के ऊपर जाना है तो ज़ीरो के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, 22 degrees Celsius, तो इसमें पॉजिटिव, अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव के साइन डालें नहीं डालें, आपको बता सिखाया ना मैंने कि 22 लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव डालेंगे तो भी चलेगा। तो अगला है हमारा नागपुर, नागपुर में है 31 degrees Celsius अबाव 0 degrees, मतलब ज़ीरो के इसमें भी हमें अबाव जाना है। तो हम 31 degrees Celsius चाहिए तो आप पॉजिटिव लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए कोई बात नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स दिस इज द प्रॉपर साइन। तो चलिए अब इसे भी हमने पढ़ा है, खाली इसे सॉल्व करना है। ओके, सो बच्चों मैंने आपको भी समझाया कि सी लेवल मतलब जो समुद्र का ऊपर वाला हिस्सा है, समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर जितना जो भी एरिया रहेगा हम उसे पॉजिटिव में मेजर करेंगे, और समुद्र के नीचे यानी पानी में जो रहेगा हम उसे नेगेटिव में मेजर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन है, हम उसे देखते हैं। अ सबमरीन इज अ डेप्थ ऑफ 512 meters बिलो द सी लेवल। बिलो, बिलो मतलब नीचे, किसके नीचे, पानी के नीचे है हम, तो पानी के नीचे है मतलब हम नेगेटिव में है, तो हम 512 meters बस बस दोस्तों आपका आंसर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चन नंबर 2 पे। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट,
द हाई पीक इन द हिमालय इज 8848 मीटर। तो इसमें हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, आपको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसके सबसे ऊपर उसकी चोटी पे, उसकी चोटी को मेजर कर रहे हैं, मतलब हम समुद्र के ऊपर मेजर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ उसका आंसर जो रहेगा हमें इसे लिखना है 8848 मीटर्स। चाहिए तो आप यहाँ पॉजिटिव की साइन लगाइए, नहीं लगाइए आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा भी रहेगा तो आंसर आपका सही रहेगा, कोई आपका आंसर रॉन्ग नहीं कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चन 3 की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 3। अ कायट इज फ्लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखिए सी लेवल मतलब समुंदर का जो पानी का लेवल रहता है वो जमीन के बराबर ही रहता है। अगर ये हमारी ज़मीन है तो समुंदर का भी लेवल ऐसे बराबर में रहेगा, अगर हमारी ज़मीन नीचे रहेगी तो पानी भर जाएगा वहाँ भी। तो यानी हमारा जो ग्राउंड का लेवल है समुंदर का लेवल बराबर है। ओके तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अ काइट इज फ्लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब आप कन्फ्यूज होंगे, सर आपने तो पढ़ाया था कि सी लेवल, तो यहाँ ग्राउंड आ गया, तो वही आपको समझा रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। ग्राउंड और सी लेवल एक ही, मतलब सी लेवल और ग्राउंड इक्वल में ही होता है। ओके तो देखिए अ काइट इज फ्लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ऊपर 120 मीटर में हमारा काइट जो फ्लाई करता है। अब पतंग तो हमारी ज़मीन के नीचे फ्लाई तो करेगी नहीं, तो इसका आंसर हमें लिखना है 120 मीटर्स। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ टनल इज अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर अंडर द ग्राउंड। टनल जो हमारा गुफा रहती है जिसमें से ट्रेन जाती है, वो ज़मीन के अंदर 2 मीटर ज़मीन के अंदर है ना वो, तो नेगेटिव में रहेगा ना वो, तो यहाँ लिखेंगे -2 मीटर। ओके तो इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 फिनिश हो चुका है, हमने बेसिक भी देख लिया, प्रैक्टिस सेट भी देख लिया, काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और अगर ये अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।